मैं दो बातों में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। खाने में बेस्ट स्नैक्स वही होते हैं जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो, और आलू से बने स्नैक्स हमेशा खाने में टेस्टी होते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स, जो इन सभी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स बनाने के लिए हम इन सभी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिए हैं 1 कप पके हुए चावल, जिन्हें हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये चावल चाहे ताजे बने हों या रात के बचे हुए चावल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ग्राइंड करके चावलों की थिक सी पेस्ट बन जाएगी, जिसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। इसमें डालें कद्दूकस किए हुए 2 उबले हुए आलू, कद्दूकस की हुई 2 गाजर, 1/4 चम्मच अजवाइन को इस तरह मसल कर डालें, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच नमक डालें और अपने हाथों पर थोड़ा तेल लगाकर इसे अच्छे से गूंथकर मिक्स कर लें। तेल लगाने से यह हाथों पर चिपकेगा नहीं। अगर आप पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स तीखे खाने पसंद करेंगे तो इसमें थोड़ी हरी मिर्ची या काली मिर्ची पाउडर डालकर भी मिला सकते हैं। अब यहाँ हमने लिए हैं तकरीबन 1/2 कप कॉर्नफ्लेक्स, जिन्हें हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। ये नॉन फ्लेवर्ड फीके वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। इन्हें क्रश करके फिलहाल अलग रख दें। अब एक फ्लैट सरफेस पर थोड़ा तेल ग्रीस कर लें। तेल ग्रीस करने के बाद अब हम इस पर आलू चावल का मिक्सचर डालकर हल्का हल्का दबाते हुए इसे एक स्क्वायर की शेप का कर देंगे। स्क्वायर की शेप बनाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें। 15 मिनट के बाद इसे फ्रीजर से निकाल लें और इस तरह से कट्स लगाते हुए इसके ट्रायंगल्स काट लें। कट्स लगाने पर इस तरह के परफेक्ट ट्रायंगल्स बन जाएंगे, जिनकी मोटाई हमने तकरीबन 1/2 इंच से थोड़ी ज्यादा ही रखी है। अब इन कट्स किए हुए ट्रायंगल्स को हम क्रश किए हुए कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट कर लेंगे। इन कॉर्नफ्लेक्स से इनका बहुत यूनिक टेक्सचर बन जाएगा और खाने में बहुत बढ़िया क्रिस्प भी आएगा। अब ये पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स फ्राई करने के लिए तैयार है, जिसके लिए एक गर्म पैन में थोड़ा ऑयल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब गैस मीडियम हाई पर सेट करें और इसमें पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स डालकर फ्राई कर लें। तेल कम से कम इतना जरूर डालें कि इनकी साइड्स भी तेल में अच्छे से डूब रही हों, और इन्हें बारी बारी उलट पलट कर दोनों तरफ से फ्राई कर लें। मीडियम हाई गैस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार हैं। इन्हें हम अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए। इन मजेदार पोटैटो क्रिस्पी ट्रायंगल्स को टोमेटो केचप और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। ये यकीनन इतने टेस्टी हैं कि इसे खाने वाले आपकी तारीफ जरूर करेंगे।